हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का एक कॉमन सा कमेंट है जो कि आप लोग पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि अगर मेरा फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग मैंने करवाया और मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ ड्यू टू नॉलेज, या फिर आपको नॉलेज नहीं था, या फिर आपने 3-4 कॉलेज भरा और रैंकिंग उस हिसाब से नहीं था, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया होगा, आपको अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब कमेंट ये आ रहा है कि क्या मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है तो क्या मैं सेकेंड राउंड करवा सकता हूँ। बिल्कुल आप सेकेंड राउंड करवा सकते हैं। सेकेंड राउंड का मतलब होता है पूल काउंसलिंग, ठीक है। फर्स्ट राउंड में 4 फेज बनाए गए हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। उन चारों फेज में आप नहीं करवा पाएंगे, लेकिन आप सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में करवा सकते हैं। सेकेंड राउंड क्या है? पूल काउंसलिंग। और थर्ड राउंड क्या है? डायरेक्ट एडमिशंस। सो डायरेक्ट एडमिशन में करवा सकते हो, पूल काउंसलिंग में करवा सकते हो, अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है तो, ठीक है। ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन जो आया था ऑफिशियल, वहाँ पे मेंशन किया गया था। अगर आपने केयरफुली पढ़ा था तो वहाँ पे इस चीज़ को कहा गया है, ठीक है। और आप लोगों को कल से फेज 2 का आप लोगों स्टार्ट हो रहा है। 75,000 एक रैंक से लेके 2 लाख तक का बच्चों का कल से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग रेडी रहिए और तैयार रहिए, कल करवा लेना, ठीक है। और कुछ क्वेरीज है, कुछ अगर डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई आपको 100% किया जाएगा।